हिमाचल में सीमेंट के उद्योग होने के बावजूद हिमाचल के लोगों को सीमेंट महंगा मिल रहा है। सीमेंट के दाम का मुद्दा विधानसभा बजट सत्र में गूंजा। नालागढ़ के विधायक लखविंदर सिंह राणा ने सदन में सीमेंट के दामों का मुद्दा उठाया और कहा कि नालागढ़ में 3 सीमेंट उद्योग हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में सीमेंट सस्ता मिल रहा है और यहां सीमेंट महंगा लेना पड़ रहा है। लखविंदर सिंह राणा ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के लोग उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण को झेल रहे हैं। उधर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि हिमाचल में सीमेंट के प्लांट होने के बावजूद भी यहां सीमेंट लोगों को महंगा मिल रहा है, जबकि ये उद्योग यहां के पर्यावरण और सड़कों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और साथ ही कहा कि इसको लेकर जल्द ही सीमेंट उद्योगों से बात की जाएगी और सीमेंट के दाम कम करने की कोशिश की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सीमेंट महंगा मिलता है। जो हमारे आस पड़ोस के प्रदेश हैं उन प्रदेशों के अंदर सीमेंट सस्ता मिलता है, और उसमें बहुत से ऐसे कारण हैं जिसका मैंने विधानसभा के अंदर भी जिक्र किया है, लेकिन माननीय सदस्यों ने वहाँ पर बड़े ही अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं आने वाले दिनों में जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनके साथ बैठूंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा, और ये जो हमारे ट्रक यूनियंस हैं उनसे भी इस विषय के ऊपर चर्चा होगी। ये निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण पर, हिमाचल प्रदेश की सड़कों के ऊपर इसका बहुत असर रहता है, तो हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाली चीज़ महंगी मिले ये है तो चिंताजनक, लेकिन कुछ कायदे कानून ऐसे हैं इसमें एक बात आपके ध्यान में रहे कि इसका नियंत्रण सरकार के अधीन नहीं है। भारत सरकार की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली सीमेंट जो है उसके जो मूल्य है वो सरकारें निर्धारित नहीं करती, लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रदेश के हित से जुड़ा हुआ मामला है, मैं उन सभी के मालिकों के साथ बैठकर और बाकी लोगों के साथ बैठकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। के पास मैंने बोला भारत सरकार के साथ इसका नहीं लेना देना कोई भी, भारत सरकार की नोटिफिकेशन है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके ऊपर उनका मूल्य का नियंत्रण नहीं होता, उसमें से सीमेंट भी एक है। अब ये आपने जो बोल रहे हैं तो उसमें ये बोला जा सकता है, एक रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है कि भैया इसको नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई उपाय किए जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली नोटिफिकेशन यही है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट।